जनपद के 11 विकास खंडों पर प्रेरणा ज्ञानोत्सव संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों और शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव से सभी को सीखने की शिक्षा मिलती है। प्रेरणा वो है तो गुरुजनों और अपने अभिभावकों से सीखने के लिए मिलती है, जो प्रेरणा के स्रोत बनता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक, छात्र और अभिभावक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए बीएन सिंह ने कहा, कही जाती है कि बेसिक, तो हम आप तुलना करते हैं कि हमारा विद्यालय और यहाँ इस जनपद का विद्यालय, इस ब्लॉक का विद्यालय कैसा है और हमें और क्या करना है। तुलनात्मक अध्ययन करके उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। तो हम माननीय विधायिका जी के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिवार गोरखपुर की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि आपकी जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, विभाग की जो मंशा है, प्रेरक बच्चा, छात्र, प्रेरक अभिभावक, प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जनपद बनाने की, हम सभी मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के आपके माध्यम से अपने बेसिक शिक्षा परिवार का यह संदेश देना चाह रहे हैं कि हम निश्चित रूप से कामयाब हैं, हो रहे हैं और होंगे भी, और यथाशीघ्र प्रेरक जनपद गोरखपुर होगा, सबसे पहले होगा। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः अपने सभी सम्मानित शिक्षक, शिक्षिकाओं, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, हमारी रसोइयां जो है या जो अन्य किसी रूप में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और विशेष भूमिका अभिभावकों की होती है, क्योंकि कहा गया कि अगर एक 60 अच्छी माताएं दे दें तो मैं एक सुंदर राष्ट्र दे सकता हूं। तो इसमें जो अभिभावक माताएं बैठी हुई, चूंकि विधायिका मैम का विशेष योगदान रहता है, माता समूह जो रसोइयां हैं, जो बच्चों से सबसे ज्यादा उनका ख्याल रखती हैं, उनके संपर्क में आपका बना रहना, जैसे ही हमारी मुलाकात होती है वैसे कहते हैं उनका मोबाइल नंबर हमको चाहिए, उनका फोन नंबर चाहिए, चूंकि बदलती रहती हैं, तो हम उनको उपलब्ध कराते हैं आपसे लेकर के। उसी परिवेश में हम इस मंच से, चूंकि हम खड़े हैं तो कुछ न कुछ तो आपसे हमको लेना ही है, मांगना है। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, आप हमें कम से कम, हमारे विभाग तो हमको दे रहा है उच्च प्राथमिक विद्यालयों के फर्नीचर, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जमीन पे बैठते हैं। तो चूंकि ये बाप विकट समय रहा है, पिछला एक साल हम लगभग उससे उभर चुके हैं, और 1 अप्रैल से जो प्रतिबंध आपके धन पे लगा हुआ था, संभवतः वह हट रहा है। तो हम चाहेंगे मैम से कि वो हमको आश्वस्त करें कि कुछ विद्यालय जो 1 से 5 तक हम बराबर मांगते रहते हैं, आपको सूची भी हमने उपलब्ध किया है, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ छोटे 1 से 5 तक के बच्चों को आप उपलब्ध कराएं, हमको आश्वस्त करें, जिससे कि हम और गति पकड़ सकें। क्योंकि हम लोग हमेशा जब कुछ दिखाई देता है तो और उसको लपकने की इच्छा जागृत होती है, पाने की इच्छा। पूरे प्रदेश में 17 और 18 को प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। क्योंकि विद्यालय 1 वर्ष बाद खुला है, 1 मार्च से तो बच्चे स्कूल आना शुरू हुए, तो बच्चे और अभिभावक हमारे संपर्क में आ जाएं, हम उन तक अपनी बात पहुंचाएं, जो हमारे रिट मटेरियल और अन्य चीज़ें आई हुई हैं उनसे उनको जोड़ने के लिए ये एक पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। आज हमारे 9 ब्लॉकों में हुआ है प्रेरणा ज्ञानोत्सव, जिसमें माननीय विधायक जी द्वारा उनका शुभारम्भ किया गया। कल फिर शेष बचे हुए 11 खंड विकास क्षेत्रों में हैं भी वो करेंगे, और यह पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें अभिभावकों का विशेष रूप से हिस्सेदारी कराई जा रही है। क्या बताया जा रहा है बच्चों को ये बताया जा रहा है कि बच्चों को लर्निंग पॉइंट कैसे वो आगे बढ़ें, कैसे वो सीखें, अधिक से अधिक उनको का ज्ञान का वर्धन हो, वो एकदम जो पढ़ाया जा रहा है उसको सीखें, और उसमें अभिभावक की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक तरह से हम टीचर, बच्चे और अभिभावक
को जोड़ करके अपनी व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं।